गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया है चैप्टर नंबर फर्स्ट जिसका नेम है फूड एंड ह्यूमन हेल्थ। पिछले वीडियो में हमने ये देखा था कि किसे ब्लड प्रेशर कहा जाता है, दो टाइप्स के बताए थे, लो ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड प्रेशर। उसके जो ब्लड प्रेशर का जो मेज़र करने का जो इंस्ट्रूमेंट था वो भी स्फिग्नोमैनोमीटर के रूप में यूज़ किया गया। बहुत सारी जानकारी हमने ब्लड प्रेशर के बारे में जानी जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक था उस वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर अपन देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक टॉक्सिक सब्सटेंसेस, यानी विषैले पदार्थ जितने भी है उसके बारे में जानेंगे। हालांकि ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ बातें हैं इस टॉपिक के अंदर जो हमें याद रखने पड़ेंगे और पूछा भी जा सकता है 10th बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर। इसलिए पहला इसमें आता है गुटखा। नॉर्मली तुम जानते हो सभी जने बच्चों की गुटखा क्या होता है, अपने फेमस भी है देखा जाए तो, अपने ही जरूरी नहीं पूरे भारतवर्ष में भी इसको ज़्यादा उपयोग मिला जाता है, लेकिन इसके नुकसान भी बहुत है वो मैं आगे बताऊँगा। पहले अपन गुटखे के बारे में जानेंगे। गुटखा इज प्रिपेयर्ड बाय द मिक्सचर ऑफ पीसेस ऑफ सुपारी, कटेचियो, लाइम, सिंथेसाइज फ्रेग्रेंस मेटल वर्क। गुटखा जो है, हमारे जो टॉपिक बताया इसमें सुपारी, कटेचियो, चूना जिसे कत्था वगैरह कहा जाता है, चूना, इन सबसे मिलकर जो है गुटखा बनता है। अब गुटखा का जो प्रोसेस वगैरह है इसके माध्यम से समझे तो सुपारी, चूना, कत्था वगैरह है, प्लस खुशबूदार कुछ उसके अंदर डालते हैं जिसके हिसाब से खुशबू वगैरह उसके अंदर आ सकती है। सेकंड पॉइंट देखिए, द यूजेज ऑफ गुटखा कॉज इकोनॉमिक लॉस एज वेल एज फिजिकल लॉस। जब बात सेकंड पॉइंट की आती है तो गुटखा जो है इकोनॉमिकली पैसों के माध्यम से भी हमारे पैसे खर्च वगैरह होते बर्बाद हो रहे हैं, और दूसरा देखें तो फिजिकल लॉस, अपनी बॉडी को लेकर भी बहुत सारे नुकसान वगैरह इससे हो सकते हैं। गुटखा जो है बहुत ही हानिकारक होता है हमारे लिए, बहुत सारे उसके नुकसान वगैरह होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम वगैरह, बहुत सारी डिजीज वगैरह उससे हो सकती है। जब बात थर्ड पॉइंट की करें, द जो लॉक प्रॉब्लम अकर ड्यू टू द हार्डनिंग ऑफ मसल ऑफ जो, जो यानी जबड़ा, अपना जो जबड़ा होता है उसमें प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है, और जबड़े की जो मसल्स वगैरह होती है वो हार्ड हो जाती है जिससे माउथ भी इतना ओपन नहीं हो पाता, प्लस बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो को लेकर होने स्टार्ट हो जाती है, जिससे सब म्यूकस फाइब्रोसिस डिजीज होने की आशंका होती है। सब म्यूकस फाइब्रोसिस डिजीज इससे हो सकती है। जो का जो प्रॉब्लम वगैरह होती है वो मैंने अंडरलाइन कर रखी है कि सब म्यूकस फाइब्रोसिस डिजीज वगैरह हो सकती है। जब बात फोर्थ पॉइंट की आती है, मेनी आउट ऑफ सिंथेसाइज मटेरियल यूज आर कार्सिनोजेनिक, हेंस लाइफ थ्रेटनिंग ऑल्सो। इसमें जो गुटखे में जो यूज वगैरह लिया जाता है, गुटखा जिसको कहा जाता है, उसमें कार्सिनोजेनिक के कुछ पार्ट, कार्सिनोजेनिक उसको कहा जाता है जो कैंसर उत्पन्न करता है। कैंसर उत्पन्न करने वाले पदार्थ कार्सिनोजेनिक कहलाते हैं। कैंसर उत्पन्न करने वाले पदार्थ जितने भी मटेरियल है वो कार्सिनोजेनिक कहलाते हैं। इसलिए जितने भी प्रॉब्लम्स वगैरह होती है कैंसर से रिलेटेड, वो इन सारे नशीले पदार्थों में, सारे विषैले पदार्थों को खाने से होती है। तो ये कुछ जानकारी थी। इसमें सबसे मेन पॉइंट है कौन सी डिजीज हो सकती है, सब म्यूकस फाइब्रोसिस डिजीज हो सकती है। एक नंबर के क्वेश्चन में ये आ सकता है। जब बात टोबैको की करें यानी तंबाकू, तो इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द लीव्स ऑफ प्लांट निकोटिना टोबैकम ऑफ सोलेनेसी फैमिली। फर्स्ट पॉइंट देखो इसके अंदर कि मैंने अंडरलाइन कर रखा है निकोटिना टोबैकम, ये एक प्लांट होता है, उसकी जो लीव्स वगैरह होती है उससे ये टोबैको वगैरह बनती है। तो उस प्लांट का नाम क्या बताया, निकोटिना टोबैकम जो कि सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। अब सोलेनेसी फैमिली क्या होती है, बॉटनी के अंदर पर्टिकुलर प्लांट को लेके एक स्टडी वगैरह की जाती है कि ये कौन से फैमिली से बिलोंग करता है, कौन से क्लास से बिलोंग करता है, इसका ऑर्डर क्या है, इसका जीनस क्या है, क्या इसके यूजेज वगैरह है। तो उसके अंदर फैमिली जो है वो सोलेनेसी फैमिली है। तो हमें ये याद रखना है कि टोबैकम जो प्लांट है उनकी कौन सी लीव्स से बनती है, यानी
टोबेकम निकोटिना टोबेकम प्लांट से लीव्स जो होती है उनकी उससे टोबेकम बनती है, और कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है तो हमें बताना होता है, सोलेनेसी फैमिली से ये बिलोंग करती है। इट लीव्स कंटेन 1-8% एल्कोलाइड्स नेम निकोटिना, और इसके अंदर एक एल्कोलाइड होता है 1-8% जिसको निकोटीन कहा जाता है, निकोटीन जिसे कहा जाता है। ये भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन आ भी सकता है कि कौन सा एल्कोलाइड पाया जाता है तो हमें बताना होता है निकोटीन। जब बात थर्ड पॉइंट की आती है, मैनी पीपल च्यू इट विद पान गुटका और लाइम, सम पीपल स्मेल इट पाउडर फॉर्म एंड ऑल्सो मसाज इट ऑन टीथ एंड गम्स। कुछ जो लोग होते हैं वो अपने शौक के लिए चूने के साथ गुटका के साथ इस टोबेको का यूज़ करते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें बता रखा है कि एज ए पाउडर भी कुछ लोग उसको स्मेल के रूप में लेते हैं, और थर्ड पॉइंट बता रखा है कि मसाज के रूप में। हमारे गांवों के अंदर बहुत सारे बुजुर्ग लोग ऐसे होते हैं जो टोबेको के बने हुए जितने भी दंत मंजन जिसको एज ए टूथपेस्ट वगैरह भी यूज़ में कर सकते हैं, तो ऐसे यूज़ में उस टोबेको का यूज़ भी लेते हैं जो कि तित और गम्स में भी यूज़ में लिया जाता है। यानी कि गांवों के अंदर जितने भी बुजुर्ग लोग होते हैं, कोई जिनकी आदत होती है शुरू से, वो मसाज के रूप में भी टोबेको का यूज़ करते हैं। फोर्थ पॉइंट की बात करें, टोबेको इज ऑल्सो यूज एज बीड़ी सिगरेट चिलम सिगार हुक्का एंड अदर फॉर्म्स। ये कुछ पॉइंट्स थे इसमें कि एज ए बीड़ी एज ए सिगरेट एज ए चिलम सिगरेट हुक्का के बारे में भी इसको फॉर्म में यूज में ले सकता है। बच्चों इस टॉपिक के अंदर मेन बात यह है कि हमारा सिलेबस के अंदर गुटका टोबेको इसके बारे में जानकारी दी हुई है, इसलिए हम इस चीज़ को पढ़ना भी जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी उठ सकता है बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर। इसलिए इस पॉइंट के अंदर सब म्यूकस फाइब्रोसिस डिजीज वाला पॉइंट इस गुटका के अंदर और इस टोबेको के अंदर निकोटीना टोबेकम ऑफ सोलेनेसी फैमिली और कौन सा एल्कोलाइड होता है तो निकोटीन, ये क्वेश्चन आने के चांसेस हमेशा रहते हैं। बच्चों ये कुछ जानकारी थी इस गुटका और टोबेको के लिए। मैं एक थोड़ी सी बात कहना चाहूँगा कि ये दोनों नशीले पदार्थ जो है बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है, हमें इसका सेवन नहीं करना चाहिए। हम तो ठीक है, लेकिन हमारे जो पेरेंट्स वगैरह है अगर वो ऐसा करते हैं तो हमें उनको सचेत करके इस बारे में जानकारी देकर उसको उनको अच्छे से समझाकर इन चीज़ों का सेवन करने से रोकना चाहिए क्योंकि बहुत ही नुकसानदायक चीज़ है गुटका और टोबेको। अगला पॉइंट जो अपन पढ़ेंगे वो उनके टोबेको के हार्मफुल इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं, और उसके बाद अपन नेक्स्ट वीडियो में एल्कोहल के बारे में भी जानेंगे। तो बच्चों जागरूक बनना है और आगे बढ़ना है, पेरेंट्स को भी जागरूक करना है। अगर कोई पेरेंट्स ऐसा करते हैं तो हमें उन पेरेंट्स को भी रोकना होगा ताकि इन जो डिजीज़ वगैरह इससे होती है, कैंसर भी हो सकता है उनसे, सब म्यूकस फाइब्रोसिस डिजीज भी हो सकती है, इन चीज़ों से बचने के लिए हमें इन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।